वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का नवा भाग, और इसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक के जो है क्वेश्चन को सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। हमने एक आइडेंटिटीज आपको बताया था कि sec थीटा अगर दिया हो कि sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दिया हो, कोई दिया हुआ मान p हो, तब जो है इसका sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता हो जाता है, इसका उल्टा यानी 1/p हो जाता है। ऐसा हमने जो है पहले वाले वीडियो में जो हमने आइडेंटिटी बताया था। तो यहाँ भी सेम ही करना है, पी का मान यहाँ दिया है 1/√3, तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे हम ये मिटा के यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देंगे 1/√3। ये तो दिया है 1/√3, ये तो इसका मान पहले से दिया हुआ है, और इसका उल्टा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब टेन हमें निकालना है टेन थीटा का मान, तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस माइनस घटा देंगे, तो ये कट जाएगा और ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस टेन थीटा और इधर भी माइनस टेन थीटा, कितना हो जाएगा माइनस, ये घटाने पे हो जाएगा कितना, माइनस टू टेन थीटा, ये हो गया। और माइनस टू टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस प्लस ये माइनस, यानी 1/√3 में से कितना घटाना है, √3 जो है घटाना है। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना, ये तो वही रहेगा 2 tan थीटा, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो √3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस, इधर एक छिपा हुआ है, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं, तब क्या आ गया, माइनस टू टेन थीटा बराबर क्या आ गया था, 1 माइनस 3, यानी 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस टू, और बट्टा में क्या था, √3। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, इधर ही माइनस है, इधर ही माइनस है, और ये इधर 2 है, और ये भी 2 कट गया, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा बराबर 1/√3। अभी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, 7 sin² θ + 3 cos² θ = 4 है, यदि थीटा न्यून कोण है तो 10² θ का मान क्या होगा। तो ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 7 sin² θ दिया हुआ है, हमने लिख दिया 7 sin² θ प्लस 3 cos² θ है, इसको साइन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 - sin² θ हो जाएगा, 1 - sin² θ किसके बराबर होता है, तो cos² θ के बराबर होता है, और बराबर में हो जाएगा 4। अब ये हो गया 7 sin² θ प्लस ये क्या हो गया 3 - 3 sin² θ बराबर कितना हो गया, 4। अब जो है ये दोनों टर्म जो है सेम है ना, 7 में से 3 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 sin² θ बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 है और ये 3 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो वह क्या बचेगा, बचेगा 1। तो sin² θ बराबर क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1/4। तो जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 हो गया तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1/4 का रूट कितना हो जाएगा, 1/2। अब साइन थीटा का मान जो है 1/2 कितना डिग्री का पर जो है होता है, तो कितना थीटा का मान 30 होगा, तब जो है साइन थीटा साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। तो थीटा का मान हमें यहाँ से मालूम हो गया 30। अब यही हमें निकालना है टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर 30 का मान कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर 30। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये 1/3 के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि x प्लस वाई बराबर जेड हो और 1 cos x + cos y + cos z बराबर हैं, बराबर जो है क्या होगा, तो इसको हम जो क्या करेंगे, cos c प्लस cos d के रूप में जो है इसको तोड़ देंगे। यहाँ 1 दिया है तो 1 ही लिखते हैं इसको। अब ये cos c प्लस, इसको ब्रैकेट में हम ऐसे लिख सकते हैं ना, cos x प्लस y, यही होगा ना, cos कॉमन ले लेंगे तो, और z जो है बाहर ही रखेंगे, यानी प्लस cos z। अब ये हो गया 1 cos x + y, यानी cos c प्लस d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी x प्लस वाई 2 माइनस cos c माइनस d बाई 2, यानी cos x माइनस वाई बाई 2, और प्लस में यहाँ क्या दिया है, cos z, तो ये हमने लिख दिया cos z। अब क्या होगा, अब इसको हम 1 प्लस, अब x प्लस वाई किसके बराबर है, दिया हुआ है जेड के बराबर है, तो डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे 2 cos z/2 माइनस cos x माइनस वाई बाई 2 और प्लस cos z। cos z का मान, cos z का जो है एक फार्मूला आपको मालूम होगा क्या होता है, 2 cos 2 cos² z/2 - 1, ये होता है कि नहीं, तो ये होता है, तो यहाँ पे ये जो है cos z का मान यहाँ रख देंगे, यानी 2 cos² z/2 - 1। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया है, cos c प्लस d बाई 2, cos c प्लस d का फॉर्मूला होता है 2 cos c + d/2, यहाँ पे इंटू होता है ना, इंटू होता है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉमन आ जा रहा है, कौन सा, ये तो कट जाएगा एक एक, यहाँ प्लस 1 है और यहाँ माइनस 1, बाकी बच गया, यहाँ पे कॉमन आ रहा है cos z बाई 2 और इधर भी cos z बाई 2 है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। टू cos कितना जेड बाई 2, बाकी क्या बचा रह जाएगा, तो ये cos स्क्वायर के लिए हो जाएगा, बचेगा cos जेड बाई cos जेड बाई 2, और एक और बच गया, क्या बचा, cos x माइनस वाई बाई 2, यही बच गया ना, cos x माइनस वाई बाई 2। अब जो है क्या करेंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आपको जो है उत्तेज नहीं होना है,
कॉस जेड बाई टू। अब ये जो है कॉस जेड है, तो इसको हम क्या जेड के कितना लिखे थे, एक्स प्लस वाई के बराबर लिखे थे ना, एक्स प्लस वाई बट्टा टू प्लस कॉस एक्स माइनस वाई बट्टा टू। यहाँ हमने इसलिए लिखा कि यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स जेड किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के। अब ये भी फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का रूप लिया तो है, तो ये कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू पे जो है हल कर देंगे, तो ये हो जाएगा टू कॉस जेड बाई टू। अब ये इंटू, अब इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, ये तो डी दिया हुआ है ही, प्लस ये सी हो गया ये और सी डी हो गया ये, और बट्टा दो सारे में होगा। अब उसके बाद जो होता है इनटू, अब ये तो हमारा हो गया टू कॉस सी प्लस डी बाई टू हो गया। अब दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म होगा टू कॉस सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी कितना है एक्स प्लस वाई बट्टा टू माइनस डी, डी कितना एक्स माइनस वाई बट्टा टू और पूरा में टू। अब बराबर में इसको क्या लिखेंगे, तो बराबर में पहले कितना था टू कॉस जेड बाई टू था ना, टू कॉस जेड बाई टू बराबर। अब इसमें जो है जो कटना चाहेगा उसको हम काट देंगे, ये जो है कौन कौन सा, तो यहाँ पे जो है वाई और वाई कट जाएगा, तो ये इधर एक्स और इधर टू एक्स, टू एक्स बट्टा टू हो जाएगा, और इधर नीचे दो है तो टू एक्स बट्टा टू हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो ओनली एक्स बट्टा टू होगा, यानी कितना कॉस एक्स बट्टा टू हो गया उसको हल करने पे। अब इसको हल करेंगे तो ये तो माइनस है, और ये जो है अगर माइन ब्रैकेट हटा दिया जाए तो ये प्लस में टूट जाएगा, और यहाँ ये एक्स एक्स कट जाएगा तो वाई प्लस वाई टू वाई हो जाएगा, और टू वाई बटा टू तो टू टू ख़त्म तो वाई बटा टू हो जाएगा, यानी कॉस वाई बाई टू, यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गुना था ना, ये गुना था, तो ऑप्शन में दिया हुआ है देख लेते हैं, और ये टू जो है ना टू सब में है ना, इधर भी टू है ना, टू कॉस यहाँ लगा हुआ है ना। अब ये दो दो की गुना कर देंगे तो फोर कॉस कितना जेड बाई टू हो जाएगा, इंटू कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस वाई बाई टू, यही जो है हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा, यानी कॉस एक्स फोर कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस वाई बाई टू और कॉस जेड बाई टू, यानी ऑप्शन नंबर दो जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। x बराबर दिया हुआ है मान और y बराबर दिया हुआ है मान, पहले हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और जोड़ रहे हैं तो ये जो है क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी इंटू साइन कितना a माइनस बी, फिर दोनों को जोड़ रहे हैं ना, ये तो x हो गया पूरा मिला के
इसके बाद वाई, वाई वाला है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, आपको मालूम है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यानी कॉस ए, यानी ये जो ए प्लस बी है इसको पूरा ए है और कॉस ए माइनस बी ये पूरा बी है, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला कौन सा लागू हो गया, एक्स प्लस वाई बराबर कॉस ए माइनस बी। ए कितना है तो ए प्लस बी जो है क्या है, ए है, और माइनस ए प्लस बी, ये तो ए प्लस बी हो गया कॉस ए माइनस बी, बी का मान ए माइनस बी है, ये माइनस बी, अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब जो कटना चाहेगा ये कट जाएगा, तो ये एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया, टू बी। इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया, टू बी हो गया। अब ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कि एक्स प्लस वाई जो है ग्रेटर देन जीरो, यदि जीरो जो है ग्रेटर देन बी और बी जो है लेस देन 45, यानी बी का मान जो है 45 से क्या करना होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अगर हम b का मान, यहाँ पे cos होगा ना, cos 2b हो जाएगा, cos 2b। अब b का मान हम अगर हम 30 रखते हैं, ये 45 से कम है तो हमने 30 रखा, तो x प्लस वाई बराबर कॉस टू बी, यानी कॉस कितना हो जाएगा 60, और कॉस 60 का मान कितना होता है, एक्स प्लस वाई बराबर कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है कि एक्स प्लस वाई जो होगा 0 से बड़ा होगा, तो ये 1/2 जो है बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, क्या है कि x का मान दिया हुआ है और y का मान दिया हुआ है, x बराबर है साइन 3θ/sin θ माइनस कॉस 3θ/cos θ, और y का मान कॉस 3θ/cos θ प्लस साइन 3θ/sin θ। बस सेम दोनों x और y का मान सेम है, बशर्ते कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। यानी अगर x बराबर कितना है साइन 3θ/sin θ, यही है ना, माइनस कॉस 3θ/cos θ। अब y बराबर क्या है, तो y बराबर है सेम है, इसमें केवल प्लस का फर्क है, तो इसको हम जो है बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस जो है कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो cos 3θ/cos θ, और ये यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 3θ/sin θ। अब हुआ क्या, x को जो है हमने y का मान में क्या डिफरेंट आया, तो x जो है माइनस y के बराबर है, बशर्ते यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर 60θ का मान 60 भी रखेंगे तो सेम जो है दोनों का राइट आंसर आ जाएगा, यानी x जो आएगा माइनस वाई के बराबर हो जाएगा।
तुम्हारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर 66 है कि कॉट इन वर्स 1 माइनस साइन एक्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बट्टा रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स प्लस सॉरी माइनस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको ये पता होगा 1 माइनस साइन एक्स का जो है फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो लिख देते हैं कॉट इनवर्स हो गया। अब जो है रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। अभी माइनस के लिए था तो माइनस के लिए, और प्लस के लिए भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस सॉरी प्लस प्लस है ना साइन एक्स बाई टू। अब ये तो ऊपर के लिए हो गया, और बट्टा में फिर क्या होगा, दो टर्म है ना, बट्टा में सेम ही है, एक माइनस में है, तो ये हो जाएगा एक कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। उसके बाद ये माइनस दिया हुआ है और वन प्लस साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू, और यहाँ प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये डायरेक्टली यहाँ माइनस लिख देंगे साइन एक्स बाई टू। अब जो कटना चाहेगा काट देंगे, ये साइन एक्स बाई टू कट जाएगा प्लस एक्स बाई टू से, और ये कट जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। अब बाकी क्या बच गया, कॉट इनवर्स बच गया, और क्या बच गया, तो और बच गया कॉस टू कॉस एक्स बाई टू, इधर कॉस एक्स बाई टू और इधर भी कॉस एक्स बाई, दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, टू कॉस एक्स बाई टू और बट्टा ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इधर ही माइनस, तो माइनस टू साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। अब ये जो है अपना दो दो कट गया, तो बचा क्या, कॉट इनवर्स। अब ये जो है कॉस एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू किसके बराबर होता है, तो कॉट एक्स बाई टू हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या है, माइनस है। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यानी पाई माइनस कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू। तो ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/4 का मान क्या होगा। तो आपको ये तो पता होगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का मान, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का जो है फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले इन दोनों को जो है हम पहले हल करेंगे, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे टेन इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई। तो पहले दो टर्म ले रहे हैं, तो एक्स हो गया ये और वाई हो गया 1/3, एक्स प्लस वाई बटा होता है 1 माइनस एक्स वाई, यानी 1/2 इंटू 1/3, और बाकी क्या रह गया, टेन इनवर्स 1/4 रह गया। अब इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा,
ये आ जाएगा 10 इनवर्स, ये आ जाएगा 3 और 2 5/6, और ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 5 5/6, यानी ये जो है कट जाएगा। और प्लस 10 इनवर्स क्या हो गया, 10 इनवर्स 1/4। अब इसके लिए भी लागू कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 10 इनवर्स 1 रह गया, यानी 10 इनवर्स। अब बराबर में इसको करके क्या लिखेंगे कि 10 इनवर्स कितना 1, और प्लस में 10 इनवर्स कितना है 1/4। अब इसको आप पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी x प्लस वाई पे पुट कर देंगे, 10 इनवर्स x प्लस वाई, x कितना है 1 है और y है 1/4, और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 गुने 1/4। तो इसको आप जो है हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 और ये हो जाएगा 3/4। अब ये 4 4 कट गया तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 इनवर्स 5/3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 5/3, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है कि 10θ + 1θ = 100, तो 10θ का मान क्या होगा। हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि sec थीटा प्लस 10θ, अगर इसका मान x दिया हो तब जो है क्या होता है, sec थीटा माइनस 10θ का मान क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है। ये हम आपको जो है पहले ही बता चुके हैं। अब हमें 10θ का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे, यानी ये प्लस प्लस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 2 tan θ हो जाएगा, और ये 2 tan θ और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये x माइनस 1/x हो जाएगा। अब ये जो है 10θ बराबर क्या हो जाएगा, 10θ बराबर हो जाएगा x² - 1/2, और ये 2 इधर आके 2x हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, 10θ का मान दिया हुआ है 4/3, 10θ का मान दिया है कितना 4/3, 10θ बराबर क्या होता है, 10θ बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्वेश्चन नंबर 69 है कि 10θ का मान जो है दिया हुआ है 4/3, तो निकालना है √1 - sin θ / 1 + sin θ का मान। अब जब 10θ का मान दिया है, यहाँ पे 10θ का मान दिया है 4/3, 10θ बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यहाँ पे कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 9 कितना 25, यानी 5 हो जाएगा, और ये ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5 का। अब इसी पे मान जो है इसका पुट कर देंगे, ये हो जाएगा √1 - sin θ बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी 4 बटा कितना 5, और ये भी रूट में रहेगा √1 + 4/5 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1/5, और ये हो जाएगा कितना 5 4 9/5, और ये 5 5 कट जाएगा, तो बाकी क्या रह गया √1/9, और अगर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तब इसका जो है प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। पर यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है,
प्लस वन बाई थ्री भी और माइनस वन बाई थ्री। तो यहाँ ऑप्शन नंबर फाइव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है आपको जो है पहले बता दिया गया है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर पी दिया हुआ हो तब जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालना हो तब क्या हो जाता है, ये हो जाता है पी स्क्वायर माइनस टू पी। अब ये तो स्क्वायर दिया पर यहाँ निकालना है एक्स क्यू। अब इसी को अगर एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू निकालना है तब क्या हो जाता है पी के क्यू माइनस थ्री पी। तो हमें इसी को जो है हल करना है और पी का मान यहाँ पे दिया हुआ है टू कॉस थीटा। तो टू कॉस थीटा का क्यूब करेंगे तो ये दो कितना में बदल जाएगा, आठ कॉस थीटा में बदल जाएगा, आस कॉस क्यूब थीटा माइनस ये हो जाएगा तीन दूनी छः कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉमन जो है दो का कॉमन निकल रहा है यानी टू ये हो जाएगा फोर कॉस क्यू थीटा और माइनस कितना हो जाएगा थ्री कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है कॉस थ्री थीटा का। तो ये कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला हो गया और यहाँ टू कॉमन है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें और इसका पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहां से जो है डाउनलोड ज़रूर करें।